एवरीवन, गुड आफ्टरनून, नहीं गुड इवनिंग हो गई है। और जैसे कि आप देख रहे हो बाहर बारिश आ रही है और मैं पूरा भीग चुकी हूँ। एक्चुअली मैं ना सफाई कर रही थी, बहुत ज़्यादा लेट हो गई क्योंकि जैसे आप लोगों को पता है ये लोग काम पे जाते हैं तभी मैं सफाइयाँ करती हूँ। बट तो बाहर बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ है, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश आ रही है। तो मैं बस जस्ट नहाने जाने वाली थी तो एकदम से मैं भीग गई। मैं आपको बाहर का वेदर दिखाती हूँ और आज देखते हैं कि हम क्या क्या करते हैं। तो चलो फिर आप लोगों के साथ ये ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। बाहर दिखाती हूँ आपको वेदर। पूरी फोगी फोगी बारिश हो रही है ना। बारिश सुगिरा अंदर चल बेटा, अंदर चलो। नाला नाला के जा, नाला नाला के जा। ओ कंबल आग देगी। ओहो ओरे के जा, ओरा के जा, ओरा के जा। बाबू सन्नी वीरे गेट तो गेट 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 बाहर नु अंदर नु जेड़े कुड़ी नु ज्यादा बाहर कर रहे ने ना। एक कमेंट को एक उन साइड होयो इधर भाई ना आयो। आओ नुना मैं आओ नहीं आओ मरा नहीं आओ। ओ गई बाहर, गई बाहर। मैं गिला हो जाने थी पूरा। दवाई भी मैं पाई है ना। ये देखो पूरी बारिश बारिश हो गई पूरा। वाओ लुक एट द व्यू। तो बड़ा मजा आया आज, बारिश बहुत ज्यादा तेज थी। आज सबने खुल के एंजॉय किया है, सारे लोग नहा रहे थे बाहर बारिश में, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। अगर बारिश हो तो पकोड़े ना हो ऐसा कभी हो सकता है। तो चलो फिर चलते हैं किचन में और बनाते पकौड़े। सुगिर चल क्यों या सुगिर कितने जा रही, माउस कितने सुगिर दा देख गिरी जा। यार जाग जुग चुपाने का है नहीं मन्नी वीरे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बनाऊंगी चाय। जब तक चाय बनेगी साथ साथ मेरे पकोड़े भी बन जाएंगे। तो बस मैं सबकी चाय बना रही हूँ। आज सब काम पे नहीं गए, बारिश की वजह से उनकी छुट्टी हो गई है। तो सबके इकट्ठे ही चाय बनाऊंगी तो फिर पकोड़े बनाएंगे हम। चाय रख दी है, अभी बनाने वाले हैं पकोड़े। पकोड़े के लिए पहले बर्तन ले लेते हैं एक। हम बनाने वाले हैं प्याज के पकोड़े। तो यहाँ पे पकोड़ों के लिए मैंने प्याज काटने बड़े बड़े शुरू कर दिए। जब तक मेरी चाय जो है वो बॉयल हो जाएगी अच्छी तरह से। तो पता क्या है, जब बारिश का मौसम होता है ना कभी कभी कभार ये सब चीज़ें खाने में बहुत मज़ा भी आता है। बट हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम ये चीज़ें बना पाएँ क्योंकि ये लोग अगर शाम को जाएँगे तो शाम को मेरी सफाई ही पूरी होती है। इसकी वजह से ना मैं सारा दिन फिर बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। तो आज चलो मन भी था कि चल हिम्मत भी थी थोड़ी सी, लेकिन बाद में मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब सी हो गई थी। तो मैंने कहा चलो फटाफट से ना ये काम भी निपटा लेती हूँ क्योंकि ना अच्छा लगता है सबके साथ बैठ के खाना परिवार के साथ। तो मैंने चाय में अदरक डालना भूल गई थी और यहाँ पर मैंने अदरक डालना शुरू कर दिया। फिर मैंने ना उसको वो इमाम दस्ते में नहीं क्रश किया था, मैंने ऐसे ही बेलने से उसको अच्छी तरह से कूट लिया था। तो मैंने उसमें डाल दी चाय, अच्छा सा फ्लेवर उसका आएगा। तो बस उसके बाद मैं यहाँ पे जब तक चाय अच्छी तरह से अदरक पूरे उसमें फ्लेवर उसका आने लग जाएगा तब तक मैं बाकी के काम निपटा लेती हूँ। बाकी हम है कि प्याज सिर्फ प्याज की बना रहे हैं और नहीं, क्योंकि ना ज़्यादा फिर झंझट बहुत ज़्यादा हो जाता है खाने में ना, फटाफट ख़त्म हो जाते हैं लेकिन बनाने वाले की बैंड बच जाती है।
और जैसे कि आप लोगों को पता ही कि हमारी जॉइंट फैमिली है, तो फिर इतने क्वांटिटी में मैंने बेसन लिया है उसी के हिसाब से, क्योंकि खाने वाले हमारे घर में बहुत ज़्यादा मेंबर है और यहाँ पे फिर बेसन थोड़ा सा कम पड़ रहा था, मैंने बाद में और ऐड कर लिया, लेकिन वो मैंने क्लिप इसमें ऐड नहीं करी है। तो बस फटाफट से मैं यहाँ पे पकोड़े बना लूँगी, इसमें बस वही जो नॉर्मल चीज़ें हैं, हरी मिर्च, लाल मिर्च, नमक डाल दूँगी, थोड़ा सा अजवाइन वगैरह डाल दूँगी, और जहाँ पर मेरी चाय जो है वो अच्छी तरह से बॉयल हो चुकी है तो मैं साथ में इसमें चाय पत्ती और चीनी ऐड कर लूँगी। तो चलो फटाफट से फिर बना लेते हैं पकौड़े। तो यहाँ पे चाय मेरी पहले ही बन गई है, मतलब हो गई थी तो मैंने सोचा कि चलो पहले ना चाय हो जाए फिर पकौड़े आराम से बन जाएंगे, क्योंकि एक काम ना ख़त्म हो जाए, नहीं तो ना सारे काम बीच बीच में आते रहते हैं ना, तो ना बंदा ना मतलब ना इधर का कुछ काम अच्छी तरह से हो पाता है ना उधर का। तो फटाफट मैंने पहले चाय ही छान ली, कब से चाय ही बन रही थी मेरी, चाय ही छान ली मैंने, और फिर उसके बाद आराम से पकौड़े बनाऊंगी, और दूध भी मुझे बॉयल करने के लिए रखना है। तो बस यहाँ पे मेरी चाय हो चुकी है और दूध मैं रख दूंगी, फिर साथ में हम बनाएंगे पकौड़े। तो बताइएगा कि आप लोगों की यहाँ बारिश हुई थी तो आप लोगों ने क्या क्या किया है, कहाँ कहाँ बारिश हुई, कहाँ कहाँ नहीं हुई कल। तो इतना मतलब अच्छा वेदर हो गया था, लेकिन ना चलो ये है कि शाम तक मौसम भी ठीक था, नहीं तो ना बारिश के बाद ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन कल फिर भी ठीक रहा था। तो हमने बस ऐसे ही इंजॉय कर लिया पकोड़े के साथ, बाद में भी हमने बहुत कुछ खाया तो हमारी टमी बिल्कुल फिल हो गई थी। तो बस यहाँ पे मैं पकौड़े बनाना शुरू कर दी हूँ और फिर हम सब साथ में बैठ के खाएंगे, आप लोग भी इंजॉय करो। मतलब आप लोगों ने कैसे इंजॉय किया ज़रूर बताना, और अगर हाँ मेरे चैनल पे आप न्यू हो ना तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना न्यू न्यू अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए। तो ऐसे ही मैं मोटिवेट होंगी तभी मैं डेली वीडियोज़ आप लोगों के लिए अपलोड कर पाऊँगी, अदरवाइज़ आप लोगों को पता है कि अगर डिमोटिवेट होने के बाद डेली वीडियोज़ डालना और थोड़ा सा ना मतलब अच्छा सा नहीं लगता, कि मुझे फिर थोड़ा सा ना मन सा उदास हो जाता है कि इतनी मेहनत से हमने वीडियो बनाई है, इतना कट कट करके बनानी पड़ती है, बट आप लोग ऐसे सपोर्ट नहीं करोगे तो बहुत ही फिर प्रॉब्लम की वाली बात हो जाएगी ना हमारे लिए इतनी मेहनत के बाद भी। तो यहाँ पे पकोड़े मैं थोड़े थोड़े दबा रही हूँ ताकि अंदर से बेसन जो है वो उसका अच्छे से पक जाए। तो बस यहाँ पे चलो फिर मैं इसको बना लेती हूँ, फिर हम आप लोगों से बाद में बात करेंगे। Thank you.
बहुत मज़ा आया, हमने काफ़ी अच्छी पार्टी हो गई और हस्बैंड की बट छुट्टी हो गई क्योंकि आज बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ थी तो जिसकी वजह से उनकी छुट्टी हो गई है। और फिर हमने बस ऐसे जैसे आप लोगों ने देखा ही है कि पकौड़े मैंने बनाए हैं, पकौड़े खाए हैं और अभी मेरी तबीयत ठीक मुझे नहीं लग रही, मुझे फीवर फीवर सा लग रहा है। और आज ना इतने दिन हो गए ना, मेरे ना मन की इच्छा थी, मुझे ना जलेबी खाने का बहुत ज़्यादा मन था तो ना इतने जितने भी संडे अभी निकले हैं ना, 4-5 संडे आई थिंक ये लॉकडाउन के जितने भी निकले हैं ना, मेरा इतना मन था ना जलेबी खाने का बट ना वो इच्छा पूरी ही नहीं हो पा रही थी। तो सोचा कि ना चलो आज मीठा भी खाने को मिल जाएगा, जलेबी खा लूँगी, इच्छा पूरी हो जाएगी मन की। बट अनफॉर्चुनेटली जिससे मैंने मतलब मुझे मिले ही नहीं, जलेबी ही नहीं मिली तो इतना मन ना थोड़ा सा उदास हो गया कि इतने टाइम से दिल था कि जलेबी खाने का बट नहीं खा पाई। लेकिन अभी क्या है, मजबूरन में मुझे भूख बहुत ज़्यादा लग रही है बट मुझे खा रहे हैं बर्गर, ये बर्गर अभी लेके आए हैं जस्ट, तो बस मैं बर्गर इंजॉय करती हूँ। उसके बाद जैसा भी होगा मैं नेक्स्ट व्लॉग शूट करूँगी, आगे का अपना रूटीन। तो चलो फिर इसी के साथ इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ, मिलते हैं अब न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। फिर मुझे ना आप लोगों को ये बर्गर दिखाना था, कितना टेस्टी था यार, सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी था। इसके अंदर कॉर्न्स डाले हुए थे, काफ़ी सारे हर्ब्स डाले हुए थे, इतनी स्पाइस मतलब क्रिस्पी क्रिस्पी टिक्की थी ना इनकी, चने का मुँह में फ्लेवर आ रहा था और अच्छी तरह से इन्होंने रोस्ट किया हुआ था। वाह यार बहुत टेस्टी था बर्गर। तो चलो फिर आप मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करना एंड आगे शेयर कर देना, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।